फिल्मोरा एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत इजीली बहुत अच्छे इफेक्ट के साथ वीडियो एडिट कर सकते हैं और उसको अपने यूट्यूब इंस्टा या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से हम आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं अपने पास अगर रखे हैं जिसपे आप इफेक्ट डालना चाहते हैं वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इम्पोर्ट करके ला सकते हैं। अब मैं मान लीजिए मुझे एक वीडियो ये वाली वीडियो ये सारी वीडियो है मेरे पास एडिट करना है मुझे तो उसके लिए पहले से वीडियो हम जनरेट कर लेंगे। वीडियो जनरेट करने के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आ गए हैं आज के टाइम में। आप AI से भी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कि AI से आप वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं ये क्लिप और इस क्लिप के थ्रू मैं आपको वीडियो एडिटिंग बता रहा हूँ। तो ये एक वीडियो है जो मैंने जनरेट किया है जिसमें बारिश का कुछ सीन एक वीडियो क्लिप तैयार करना चाहता हूँ। तो मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ। तो ये वीडियो हमारे पास यहाँ आ गई है और नेक्स्ट जो इसके बाद मेरा सीन होगा उसमें मैं इसी पेयर को जूम इन करके मैं इस पेयर के पास चला जाऊंगा तो वो वाली वीडियो होगी। तो नेक्स्ट वीडियो पहली ये थी और दूसरी वीडियो मेरी ये है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये टाइमलाइन कहलाता है। टाइमलाइन को हम जूम इन और जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो पे जो भी होने वाले इफेक्ट आप अप्लाई करोगे, वीडियो को जूम इन करना जूम आउट करना, वो सब यहाँ से होता है। और ये आपका जो साइड में है ये आपका प्रीव्यू विंडो है। और रील्स के लिए वर्क करूँगा तो वो इस जगह पे हमको इस तरह का चाहिए वर्टिकल फॉर्म में। तो उसके लिए मैंने पहला वीडियो ये लिया है और ये जैसे ही मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो ये प्रीव्यू यहाँ पे शो करता है और ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है ये वीडियो कि ये कैसा वीडियो आपने बनाया हुआ। तो ये मैंने दिखाया कि एक एरिया है वहाँ पे बादल मूव कर रहा है ये इस क्लिप में। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे यहाँ ले आया और इस वीडियो को मैं यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ ले आया टाइमलाइन पे। अब ये मेरे से सवाल कर रहा है कि आप जो है वीडियो जो लाए उसके आधार पर रखना है या आपने जो सेटअप कर रखा है उसके आधार पर रखना है। तो मैं प्रोजेक्ट के हिसाब से चलूँगा तो मैं इसको अभी के लिए काट दे रहा हूँ और इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटिंग कर या फिल्म में जाके और यहाँ से आप इसमें देखिए प्रोजेक्ट सेटिंग है। प्रोजेक्ट सेटिंग पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम वाइड स्क्रीन ये अभी बना हुआ है और ये वीडियो भी मेरा वाइड स्क्रीन में सेटअप है तो हम वाइड स्क्रीन पर भी काम कर सकते हैं अभी के लिए। तो अभी के लिए मैं वाइड स्क्रीन पे ही रखता हूँ मैं और इस वीडियो को क्लिप को यहाँ ले आया। पहला मेरा यहाँ पे ये वाला रख देता हूँ मैं, ये मेरा वीडियो आ चुका है। दूसरा वीडियो मेरा ये वाला है, ये मैं दूसरी वीडियो ले आया। अब आप देखेंगे टाइमलाइन पे ये वीडियो चलिए, फिर नेक्स्ट में हमारा ये जूम इन हो गया और ये इम्पैक्ट आ गया। तीसरा वीडियो फिर से यहाँ से जाएंगे और तीसरी वीडियो ऐड करेंगे। तीसरी वीडियो होगी बारिश की है तो तीसरी वीडियो में मैं ये स्ट्रीट में या इंसान को दिखा देता हूँ, मैं इसको ले आता हूँ। मैं इसी वीडियो में ये इंसान चलाया और ये अभी थोड़ा सा हॉट मौसम तूफान वाला हो रहा है, बारिश करा तो बारिश होगी और चारों तरफ मतलब अच्छा सा सीन दिखाना है हमको। तो ये आ गया हमारा उसका आगे का सीन, आपने ये देखा फिर ये देखा, अब आएगी हमारी इसके बाद ये आ गई मेरी सीन और इसके बाद आएगी मेरी लास्ट में और लास्ट में हमारा स्ट्रीट व्यू। तो ये हमारे पास क्लिप पूरी आ गई हमारी और ये टाइमलाइन पे बन के यहाँ आ गई है। अब इसको हम देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पर ये सीन हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें अभी इफेक्ट ये सब लगाएंगे टाइम में। तीसरा सीन ये आया, चौथा ये है, बारिश होने लगी है यहाँ पर, ना चाहिए पूरी स्टोरी आपकी जो भी बना रहे हैं और फिर ये सीन नेक्स्ट आते हैं। तो ये सारी चीज हो गई, ये हमारे टाइमलाइन पे जब पूरी क्लिप आ जाती है तो फिर अब इस क्लिप की स्पीड और करेक्शन कर रहे हैं। जैसे ये क्लिप है और ये चला रहे हैं और इसमें आपको कलर करेक्शन करना है तो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ टॉप पे यहाँ कलर लिखा हुआ है तो कलर पर जब जाके आप यहाँ से करोगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगी इसको कैसे उस वे में हम लोग इसको सेट कर सकें। ये हमारे पास अपने पास है लट भी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से लट सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग। ये हमारे पास लट की सेटिंग है, यहाँ से बहुत तरह के लट दे रखे हैं आप, आपकी मर्जी है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे वंडर शेयर का फिल्मोरा आपको इतनी सहूलियत देती है और इसमें आप बहुत फास्ट एडिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखो प्रोटेक्टिव स्किन टोन और ये टेम्परेचर, ये सब आप मैनुअल यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, ग्रीन ग्रीन और दिखाना है और थोड़ा एक्सपोजर कंट्रास्ट ये सब आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए जो आपको लगे कि एकदम बेहतरीन सा लुक आ रहा है। हाईलाइट बढ़ा दें, कम कर दें और ये बैक हटा के बढ़ा सकते हैं, ये सब हमारे यहाँ। इसके अलावा वीडियो की जूम इन जूम आउट के लिए आप वीडियो पे जब आप टच करेंगे SCL है, कर्व है, कलर करेक्शन बॉक्स वीडियो में है, वीडियो में यहाँ पे आपका
वीडियो को आप रोटेट इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप ये रोटेट इफेक्ट डाल सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे स्केलिंग है, अगर वीडियो आपकी छोटी आई है, कोई अलग साइज की आई है, तो उसको आप इसको साइज को बड़ी करके स्क्रीन पे सेट कर सकते हो इस तरह से। बाकी पोजीशन है, अगर वीडियो के ऊपर एक और वीडियो हम डालें, मान लीजिए कि वीडियो वो है और एक वीडियो ये है, और हम चाह रहे हैं कि ये वीडियो छोटी होके यहाँ राइट कॉर्नर पे दिखे, तो हम इसको यहाँ छोटी ऐसे कर सकते हैं। और ये जैसे पेड़ है, नीचे पेड़ दिख रहा है, ना, तो वो पेड़ के ऊपर हम इस वीडियो को हार्ड से भी इसको अंदर हम मास्किंग करके इस वीडियो को ला सकते हैं, मास्क भी जाके। और यहाँ जैसे हार्ट है, हम हार्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ये वीडियो सेलेक्ट करके हार्ट अप्लाई करेंगे, तो ये हार्ट शेप यहाँ पे हमारे पास बन गया। आप देखो, अब ये जो वीडियो चलेगी यहाँ से, तो ये आपको इसके अंदर दिखेगा। इस तरह का आप मतलब अपना वो कर सकते हैं, इसको स्केलिंग करके बड़ा भी कर सकते हैं, इसको स्केलिंग करके छोटा भी कर सकते हैं, इसका हाइट, स्ट्रेंथ, पोजीशन भी सब चेंजेस कर सकते हैं ऐसे करके। प्लस ब्लर स्ट्रेंथ है, ये आप इफेक्ट में ऐसे करके इसको गायब भी कर सकते हैं, सिर्फ लड़की दिखेंगी जैसे उस पेन के नीचे। प्लस ये क्लिप जो है, इसका पोजीशन पहले से ही हम लोग सेट कर लेंगे और तब उसके बाद ये सब करेंगे ना, जिससे कि। और दूसरा इसमें और भी चीज़ें हैं डिटेल में, आप तो जब कर करके देखिएगा तो मास्किंग के बारे में तो आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ मास्किंग टूल में आप यहाँ पे जाके इस लड़की को ऐसे करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो भी ये मास्क कर लेगा पूरा का पूरा। ये देखिए मास्किंग एरिया, तो ये सब है ऑप्शन। मास्किंग पे आप अगर बेसिक थोड़ा सा भी जान रहे होंगे तो होगा। बाकी अब आता है इफेक्ट लगाना। अब ये वीडियो हम चला रहे हैं, मान लीजिए कि हमको इसके बाद से इस जगह पे कट लगाना है, तो ये वीडियो हम टाइमलाइन पे सेलेक्ट कर रखें और ये कट बटन बनना है, कट प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। यहाँ से सीन हम चेंज करना चाहें तो ये सीन कट। तो इमेजिन करिए कि आपको यहाँ पे एक सीन ये लगा है हमारे पास और इसकी स्पीड कम करना चाहते, तो यहाँ पे स्पीड है, स्पीड में जाके हम यहाँ से 1.0 है, यानी कि 100 का स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, तो इसको 150 बढ़ाएंगे। इसकी स्पीड बढ़ाना चाहे तो स्पीड बढ़ जाएगी, माइनस में आएंगे तो रिवर्स स्पीड भी हो जाएगी, रिवर्स करना चाहे तो रिवर्स भी हो जाएगी। तो ये सब यहाँ पे ऑप्शन है। स्पीड रैंप में आप रैंपिंग में ये चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि चलते चलते अचानक सब ज़्यादा स्पीड आए और फिर कम हो जाए, तो ये सब इम्पैक्ट इसमें आप दे सकते। ये हो गया स्पीड से रिलेटेड। अब आते हैं इसमें कि आप इसको मिरर करना चाहें तो यहाँ से मिरर कर सकते हैं, देखिए इधर से इधर हो गया। तो ये बहुत सारे इफेक्ट आपके पास दे रखे हैं इन लोगों ने। और कट क्रॉप टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ कोई टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ्रेमिंग जैसे करता है ये कि फ्रेम, ये जो है हमारे पास ये टाइमलाइन है, हर चीज़ टाइमलाइन में चलती है। तो टाइमलाइन में अगर आपको चाहिए कि 2 सेकेंड पे यहाँ पे जाके हमको कुछ टेक्स्ट लाना है, तो वो यहाँ से टाइमलाइन में जाके यहाँ से टेक्स्ट कर दें, या अभी यहाँ टाइटल ऊपर लिखा है टाइटल भी लगा सकते। ये सब हमारे पास टूल्स हैं और इस तरह से हम इसको करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे ये दो क्लिप आपस में जुड़ रहे हैं और ट्रांजिशन है, मतलब यहाँ पे हमारा सीन बदल रहा है, तो यह सीन बदलना है तो इसके लिए हमको इन दोनों वीडियो के बीच में हमको ट्रांजिशन ऐड करना है। ट्रांजिशन के लिए आप ऊपर में ट्रांजिशन बना हुआ है, इफेक्ट भी है, इफेक्ट पूरे लेंथ पे लग जाता है। ये पूरी वीडियो पे इफेक्ट लगाना है तो हम इफेक्ट पैनल में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आएंगे, वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इफेक्ट के ऊपर लगा देंगे, तो वो इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ट्रांजिशन में जाएंगे, ट्रांजिशन में जाने के बाद यहाँ पे ये बहुत सारे ट्रांजिशन लगे, जैसे जूम इन है ये, तो ये जूम इन पे जैसे आप टच करोगे तो ये बताएगा कि क्या इफेक्ट है यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो इससे आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या आप करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। जैसे ये इफेक्ट है, ये देखिए, तो ये सीन बदलने का बहुत अच्छा ट्रांजिशन, मेरा फेवरेट है ये जब मैं ऐसे ले आके यहाँ रखूंगा तो ये चलते चलते ये सीन बदलेगा। यहाँ आया मैं और ये सीन हमने जूम इन करके वहाँ चलेगा, देखिए तीसरे में फिर इस जगह पे आएगा, तो ये कैरेक्टर हमारा यहाँ पे मूव कर रहा है और इस जगह पे हमको चाहिए फिर से सीट बदलना, और एक ही बार में जूम इन होके वहाँ चला जाए या कुछ और, तो ये आप ये क्लिक करके देखिए ये क्या इफेक्ट होता है, ये ऐसे, तो सीधा ये पेड़ के पास से और ये हमारा कैरेक्टर यहाँ लगाना है, तो ये इस जगह पे जाके जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये आएगा ऐसे, और ये पेज पलटने वाला सीन के लिए काम आता है, कि ये यहाँ काम नहीं आएगा, पेज का है वो। तो पेज के लिए हम यहाँ पे सेंटर में जाएंगे और इस जगह पर जाने के बाद ये हमारा जूम आउट इफेक्ट है, ये हम ले ले रहे हैं क्योंकि वो जूम इन था, अब ये जूम आउट है, और इसको हम ओवरलैप करने का ऑप्शन नहीं दिया इसने, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इससे करते हैं। अब इसको यहाँ चले आए और यहाँ से हम जैसे जूम इन हो गए हैं हम लोग इस पेड़ के पास, फिर यहाँ से जूम आउट होंगे और ये अगले सीन में पहुँचे।
इसको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे सही तरीके से। दोनों वीडियो के क्लिप में कोई डिस्टेंस तो थी, अब देखें जरा, अब आया, दोनों वीडियो के बीच में गैप था जिसकी वजह से वो नहीं रहा था, और मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या कर दिया। चलिए अब दोबारा से ट्राई करते हैं एक बार फिर से, कुछ ना कुछ लोचा रह जाता है। यहाँ पे और भी इफेक्ट हैं, पॉपुलर में आप जाके पॉपुलर में देख सकते हैं। अब ये वाला है तो हम यहाँ लगा देते हैं, ये भी यहाँ पे लगा देते हैं, चेक करते हैं चला के। ये देखिए ये जो मेन हुआ, फिर आगे जा रहे हैं आप, यहाँ पे सीन थोड़ी देर चला, फिर जुम आउट हुआ, यहाँ फिर पे आ गए। ये चीज़ तो समझ गए होंगे आप लोग, ये गैप नहीं रहना चाहिए। फिर ये सीन आया फिर का, ये आया, बारिश हो रही है, बारिश होने लगी है अब यहाँ पे, अब बारिश हो रही है हमारे पास, लाइट्स में जाती है, ट्रेंडिंग में ही रहते हैं अभी। ये वाला डालते हैं, डालते हैं, बहुत बेहतरीन शॉट आया है, बारिश होने लगी है, बारिश लंबी खींच रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश लंबी खींचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ट्रांजिशन पावर हम यहाँ पे इसका जो है आगे बढ़ा, बारिश हो रही है, बारिश, ये वाला इफेक्ट मुझे पसंद नहीं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बदल रहा हूँ, थोड़ा सा अलग सा सीन ले रहा हूँ, ये वाला सीन हम यहाँ ले आते, अब ये बदलता हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे पास टाइमलाइन में ट्रांजिशन इफेक्ट लगा दिया मैंने कैसे। और अगर मान लीजिए कि सीट लंबी है और इसमें हमको ये कट लगाना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कट लगाना है, तो यहाँ जाके और ये बटन दबाएंगे तो ये कट लग गया, तो दो क्लिप बन गई हमारी। और इस दो क्लिप के बीच में भी अगर हम कुछ इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, सीजनल है, ये सब अलग अलग है, ये सब डाउनलोड करना पड़ता है। आप जब वो करके रखेंगे तो वो हो जाएगा आराम से। ये वाला हम यहाँ पे लेके अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ से आया तो ये सीन की यहाँ पर जरूरत नहीं, कंटिन्यू बस एक ही सीन चल रहा था, इसमें जरूरत ही नहीं था। अब आते हैं हम इफेक्ट पे, इफेक्ट में आ जाते हैं। इफेक्ट भी है जैसे ब्लैक एंड वाइट वाला इफेक्ट है, हम इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। यहाँ आया कि ये ब्लैक एंड वाइट वाला अप्लाई करके इसके ऊपर दिखाते हैं। अब ये देखिए हमारी पिकनिक हो रही है टाइटल के लिए, तो टाइटल के हिसाब से ये हमारे पास क्लिप आया पहले का, और ये अभी हमारा मोशन बहुत स्लो इसके ऊपर दिख रहा है, तो इसकी थोड़ी सी वो बढ़ाएंगे स्पीड। अब इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप ये बढ़ा देते हैं, टू कर देते हैं बस। तो अब ये थोड़ा सा मोशन हमको वहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद वो सीन से हट के ये आया, तो सीधा ग्रे से सीधा ये आया। तो ये चीज़ भी हम मास्किंग के थ्रू भी कर सकते हैं, तो इसको सेलेक्ट किया हमने और बेसिक में गए, कलर में गया, यहाँ पे मास्किंग का ऑप्शन होगा, इफेक्ट में गए मास्किंग का आ गया मेरा मास्किंग। दोबारा से मास्किंग में हम यहाँ पे रेक्टेंगल मास्क यूज कर सकते हैं, ये मास्क भी यूज कर सकते हैं, तो हम इसका की फ्रेम के हिसाब से काम करेंगे। अब यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पे आने के बाद ये फुल हो जाएगा, इस जगह पे मान लेते हैं, इस जगह पे ये फुल हो जाएगा। यहाँ पे हमने मास्क अप्लाई किया, ये वाला मास्क आप देख रहे हैं, और इसको हमने खींच के, पहले तो इसको रोटेट कर देते हैं क्योंकि हमारा इस तरह वाला वीडियो है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, और प्लस इस जगह तक हमारा ये ओपन हो जाना चाहिए पूरा, तो इस जगह पे हमने पूरा जूम इन कर लिया। ये डायमंड कहलाता है, ये यहाँ पे डायमंड आपको लगा हुआ दिख रहा है, तो अब हम इसको पीछे ले जाएंगे ऐसे ड्रैग करके, यहाँ इस तरह से जीरो, और यहाँ लगा देंगे स्टार। अब जब हमारा ये चलेगा तो ये मास्किंग के साथ यहाँ पे ये हमारा ओपन हो रहा है, देख रहे हैं ऐसे, तो ये एक मोशन इसके अंदर ऐड हो गया ऑलरेडी। और उसके बाद नेक्स्ट ग्रे फुल होते ही फिर ये नेक्स्ट ट्रांजिशन ये वाला आया, तो ये सडन जो आ रहा है ना, तो ये भी बदलाव एक उसके थ्रू आना चाहिए, तो थोड़ा क्या बोलते हैं ट्रांजिशन के थ्रू आना चाहिए, तो ट्रांजिशन में जाते हैं और यहाँ पे ट्रेंडिंग में ना जाके हम लाइट ट्रांजिशन कहाँ आ गया, लाइट, ये लाइट ट्रांजिशन में हम ये वाला भी लाइट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ग्रे से कलर बदलने वाला थोड़ा सा अच्छा सा आए, ये वाला जैसे हम ये अप्लाई करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये हमने प्ले किया, ये ग्रे था और ये कलर बदला, और ये सी थोड़ी सी वो आ रही है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे लास्ट मोमेंट पे आए और एकदम हमारा ग्रीन शुरू हो जाए। टाइटल में गए और इसका ट्यूटोरियल का मतलब है, लेकिन हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं, रेनी डे ऑल कैप्स पे लिखे या ऐसे ही लिख देते हैं, कोई नहीं। और यहाँ से फॉन्ट बदलने का ऑप्शन यहाँ से हमारे पास, फॉन्ट हम यहाँ से बदल सकते हैं, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला हम रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, है ना,
ऐसे जब तक किसी वीडियो में ऑडियो ना आए ना तब तक वो वीडियो में जान नहीं आता। वीडियो वाले पे जाके यहाँ से आप ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट अगर डाउनलोडेड है तो वो यहाँ पे अलग अलग हमारे पास है, आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। ये चलेगा, ये वाली म्यूजिक जो है ये रेंज से तो रिलेटेड लग नहीं रही है, लेकिन गाने तो असल में आप लोग खुद ही YouTube से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, अपना YouTube से डाल सकते हैं अपने पसंद का गाना डाउनलोड करके। तो यहाँ पे हमारा ऑडियो या लोगो या किसी कंपनी का कुछ भी चालू हो सकता है। तो यहाँ पे ओपनर के लिए सूम आवाज चाहिए, तो वो यहाँ से आपको साउंड इफेक्ट में ये जो बूश है ये इफेक्ट में से यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। चला ये है बहुत सारे हैं यहाँ पे। असल में मैंने माइक अभी तक लिया नहीं है तो मेरी साउंड उतनी क्लियर नहीं भी हो सकती है, उतने में तो आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए रेनी डे शुरू हुआ तब म्यूजिक चालू हो, जब ये मेरा ये जो ये चमकता हुआ सितारा इधर को राइट को बढ़ता हुआ दिख रहा है इस जगह से ऑडियो, तो ये वाला आपका मतलब साउंड में आपका चार चांद लगाएगा। कैसे, इस पॉइंट को टाइमलाइन पे यहाँ ले जाइए इस जगह पे, और ये वाला सिलेक्ट करके इस जगह से यहाँ से जहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा जूम इन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस जगह से ये अप पिच में जाना है ऊपर, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कट लगा दीजिए, और ये वाला हिस्सा सिलेक्ट करके ऐसे कट लगाया तो यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे भी देखिए दो कट लगा हुआ है, ये गलत लगाया था मैंने तो अंडू कर लेता हूँ मैं, इस वाले को सिलेक्ट होना चाहिए और फिर जाके यहाँ पे जाके कट लगाएंगे वैसे कट, तब ये वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे और ये हम चाहें ऑडियो डाउन करना आगे की तरफ ऐसे कि और आगे से ऑडियो आए फ्लैट हो गए तो वो इस तरह से कर सकते हैं आगे पीछे, ये होता है। और इसमें ये चीज ऊपर बढ़ाएंगे तो अब ये टेम्पो में ये इसकी साउंड तेज आएगी। और ये हम कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लाने के बाद इस क्लिप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिए और नीचे आइए, और नीचे यहाँ पे स्पीड रैंपिंग आ रहा है फ्रीज फ्रेम, तो आपको ये अल्ट एफ यानी कि फ्रीज फ्रेम, तो आपको ये फ्रीज फ्रेम दबाना है। फ्रीज फ्रेम दबाते ही क्या होता है, ये जो है अपने आगे एक फ्रेम बढ़ा देता है जो कि वो इमेज रुक जाएगी चलती वीडियो में, ये तो इस जगह पे आप ये फ्रीज फ्रेम है इसकी भी ड्यूरेशन को आप कम कर सकते हैं इस तरह से मैनुअली, और ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आने के बाद फ्रीज हुआ है। और इस जगह पे आप कुछ लिखना चाहते हैं इम्पैक्ट में, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसमें से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे लाके, ये सारा चीज ऑप्शन है आपके पास। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए सेकंड टाइटल का ऑप्शन है ये डाउनलोड होके यहाँ पे आएगा और फ्रीज फ्रेम में वहाँ लिखा हुआ है, तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे। और मेरे चैनल पे अगर आप आए हैं और पहली बार आए हैं तो मैं बहुत थोड़ा कंटेंट बनाता हूँ, मेरा सपोर्ट करिए, मुझे प्रोत्साहित करिए कि मैं और ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ इस तरह का। एक और चीज़ बता दूँ, मैंने इसमें जितने भी वीडियो और ये सब चीज़ मैंने इसमें लगाया है ये सब मैंने जनरेट किए हैं, सारी की सारी इमेज और वीडियोज जो है यही के थ्रू जनरेट किया है मैंने, और आने वाले टाइम में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप AI के थ्रू आप अच्छी अच्छी वो जनरेट कर सकते हैं और मतलब वीडियो को खूबसूरत बना पाएंगे आप। ये इमेज को सिलेक्ट करके ये डायमंड बटन आप जब दबा देंगे तो इसमें जितने भी इफेक्ट आपको इसमें अप्लाई करना है वो चीज़ आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ स्ट्रेंथ है इसको हम कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर टिक लगा दिया मैंने, फिर और चीज़ें जैसे टेम्परेचर है और ये सब चीज़ भी आप बदलना चाहते हैं कलर का तो उसके लिए भी आप यहाँ से अप्लाई करते हो टेम्परेचर ये वो जितना भी है, तो ये सारे डायमंड जो है आपके उस पॉइंट पे वहाँ लग रहे हैं। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऐसा ओरिजिनल वाला लगाया है और आने वाले टाइम में यानी कि आने 10-15 सेकेंड के बाद ये सबको हम बदल देते हैं जिसमें हमने डायमंड लगाया था, अब आने वाले टाइम में हमने कलर बदल दिया थोड़ा सा इसको डार्क कलर या कूल इफेक्ट या कुछ भी अपनी मर्जी से हम इसको चेंजेस कर रहे हैं अभी ऐसे ऐसे अपने हाथों में है ऐसे ऐसे पूरा कर करके देख लीजिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे आपको लगे कि थोड़ा अच्छा कर लिया आपने तो वहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा डार्क सीन कर लिया मैंने तो अब ये सीन ये दो टाइमलाइन के बीच में आपको बदलता हुआ दिखेगा, यहाँ से चले और ये कलर बदला फिर यहाँ पे आया, कलर बदलने का मौसम चल ही रहा है और कलर बदलने में ये
ये टाइमलाइन को आप ट्रैक करके पीछे भी ले जा सकते हो, तो उससे क्या होगा कि अब आप देखो ये आया और ये ट्रांजिशन के रूप में ये पत्थर चला गया, और फिर इसके बाद ये ओपेसिटी होती है, इस वीडियो को हमने सेलेक्ट करा हुआ है और यहाँ वीडियो में जाके यहाँ ओपेसिटी आएगा नीचे, ये ओपेसिटी। तो इसके लिए भी अगर आप अपने यहाँ पे फुल है स्ट्रेंथ में इस जगह पे, इसका हमने 100% कर दिया, और आने वाले टाइम में यहाँ पे जाके हम चाहते हैं कि वीडियो खत्म हो जाए, नील ये वाली खत्म हो रही है यहाँ पे, जैसे खत्म हो रही है तो धीरे धीरे डिम होता चला जाए, तो इसको हमने यहाँ पे डिम कर दिया। हाँ हाँ ये बढ़िया था, ये बढ़िया आया, ये भी अच्छा है, है इसमें कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको साउंड में बहुत मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ आप आइए तो यहाँ पे ऑडियो देखिए, यहाँ पे इसका फ्रेम है, ऑडियो खत्म हो रहा है और फिर से ये ऑडियो आ रहा है, तो यहाँ से इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा, और इसको ऑडियो को खींच के ट्रैक करके यहाँ मिला लीजिए, और इसको अगर कोई क्लिप लेके आ रहे हैं जिसमें मान लीजिए कि आपके पास पहले से उसमें ऑडियो है, तो कंट्रोल अल्ट डी दबाएंगे तो वो क्लिप से अलग हो जाएगा और नीचे इस तरह से आ जाएगा। इस जगह पे साउंड चाहिए हमको, जैसे तूफान का है, स्टॉर्म का तूफान आ रहा है, रेनी डे है तो बारिश का थोड़ा सा यहाँ गरज के छींटे जो पड़ते हैं वो वाले सीन, ये आया। फिर इस जगह पे बादल आ रहे हैं, घूमर रहे हैं, तो बादल का साउंड चाहिए, तो यहाँ से मान लीजिए हमको साउंड चाहिए, यहाँ से ऑडियो में गए, यहाँ से इफेक्ट में मतलब साउंड इफेक्ट में ट्रेंडिंग है, उससे क्लिप है, डायनेमिक है, ग्लिच है, और नीचे जब जाएंगे तो बूम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेदर वेदर से रिलेटेड है। तो हमारा हैवी हैवी ये देखिए स्नो स्ट्रॉम का है, मीडियम रेन है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, मीडियम रेन डाउनलोड हो रहा है, मीडियम रेन लगा दीजिए नीचे। फिर आता है ये थंडर के बाद, नीचे और नीचे जाइए, रिलैक्सिंग रेन आ रहा है, ये थंडर का इफेक्ट है, बीच बीच में अगर इफेक्ट डालना है आपको, तो ये सब चीज़ है, सब डाउनलोड करिए और सब चीज़ को लगा लगा के डिजाइन अपना तैयार करिए, और फिर लोगों को अपना वो वीडियो अपलोड करके और दिखाइए कि कैसा 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 इफेक्ट मतलब क्या कर सकते हैं आप, बढ़िया से बढ़िया है कि नहीं। तो आप जो है ट्राई करिए इस चीज़ को, और इसका फाइनल वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा पूरा बनाने के बाद, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको रोक दिया जाए यहीं पे, और फिर मिलेंगे आपसे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया।